बच्चों आज हम क्लास यूकेजी में इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स लिखेंगे। आप सभी ने अपनी इंग्लिश की कॉपी और पेंसिल निकाली होगी। चलिए सभी बच्चे मेरे साथ साथ बोल बोल कर लिखेंगे। सबसे पहले बच्चों आप अपनी अपनी कॉपी में देखिए इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे क्लास वर्क। सब बच्चे मेरे साथ साथ बोल बोल के लिखिए क्लास वर्क। लिखेंगे कैसे लिखेंगे, पहले क्या लिख के बुद्धि लगाएंगे इस तरह से, और फिर से आगे W लिखिए, बिंदी लगा दीजिए, फिर से इस तरह से लिखिए क्लास वर्क। सब बच्चे लिखिए क्लास वर्क। चलिए देखिए इधर आपकी कॉपी में ये इंग्लिश में फोर लाइनें है ना, 1 2 3 4 फोर लाइनें है ना, तो हम इन लाइनों में लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, ए। क्या लिखेंगे, ए। एक किसमें लिखेंगे, देखो ऊपर की थ्री लाइन में, इधर देखिए 1 2 3 थ्री लाइन में लिखेंगे, नीचे फोर नंबर की लाइन में हम नहीं लाएंगे। लिखिए ए, कैसे लिखेंगे, ऐसे 1 2 3 लाइन में आ गए है ना, थ्री लाइन से नीचे नहीं लाना है। सब बच्चे बोल के लिखिए ए, लिख लिया। देखो वापस ऊपर से स्टार्ट करेंगे, 1 नंबर की लाइन से 3 नंबर की लाइन तक लाइन खींचेंगे, इधर भी ऐसे ही लाइन खींचेंगे और बीच में इसको ऐसे मिला देंगे, ये बन गया ए। क्या बन गया, ए। ए फॉर एप्पल होता है ना, तो हम फॉर एप्पल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, ए, सिर्फ ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ए। सब बच्चे लिखिए अपने अपनी कॉपी में, पढ़ो उसको वापस उंगली रख के, क्या लिखा हमने, ए। क्या लिखा, ए। चलिए देखिए अब इसी के नीचे वापस हम ऊपर की थ्री लाइन में लिखेंगे, फिर से बोल बोल के लिखिए ए, इस तरह से लिखिए सभी ए, फिर से लिखिए सब बच्चे ए, पढ़ो इसको उंगली रख के, देखो दो बार लिखा ना मैंने, आप भी लिखिए और उसको पढ़िए वापस उंगली रख के, ए। क्या लिखा मैंने, ये ए। चलिए देखिए अब वापस हमने जो ऊपर वाला ए लिखा उसी लाइन में हम थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे और आगे लिखेंगे वापस ऊपर की थ्री लाइन में वे। देखो ये फोर लाइन है ना आपके, फोर लाइन में नहीं, हम सिर्फ थ्री लाइन में लाइन खींचेंगे। देखो 1 2 3 थ्री लाइन में हम सीधी ऐसे लाइन खींचेंगे पीछे, सब बच्चे इसलिए सबने थ्री नंबर की लाइन तक खींचना है, थ्री लाइन में लिखना है आपको ऊपर की थ्री लाइन में, नीचे वाली लाइन में हम नहीं लिखेंगे। इस तरह से लाइन खींच के आप ऐसे दो गोले बना दीजिए, दो दो लाइन में ऐसे, ये बन गया बे। क्या बन गया, ये बे। बे फॉर बेबी होता है ना, तो फॉर बेबी हम नहीं बोलेंगे, सिर्फ बे बोलेंगे, बोलिए बे। चलिए अब देखिए इसी के नीचे हम वापस अगली लाइन में लिखेंगे ऊपर की थ्री लाइन में, वापस लाइन खींचिए, लिखिए बोल बोल के बे। सब बच्चे बोल बोल के लिखेंगे, लिखिए बे, इस तरह से सुंदर सुंदर लिखिए बे। क्या लिखा है मैंने, बे। आप भी पढ़िए अपनी अपनी कॉपी में उंगली रख के, बे। क्या लिखा, बे। सब बच्चे सुंदर सुंदर ऊपर की थ्री लाइन में लिखेंगे, और जो बच्चा नहीं लिख पाया है उनके पेरेंट्स बच्चे की कॉपी में इस तरह से डॉट लगा दीजिए इस तरह से, ताकि बच्चा आराम से लिख पाए। लिख लिया सभी बच्चों ने। चलिए अब देखिए वापस ऊपर वाली लाइन में आ जाइए, यहाँ पर हम फिर से थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखेंगे कै। कै भी ऊपर की थ्री लाइन में लिखेंगे, देखो इस तरह से सुंदर सुंदर इसको घुमाते हुए नीचे ले जाएंगे, और थ्री नंबर की लाइन आते ही इसको वापस हम ऐसे मोड़ देंगे, ये बन गया कै। सब बच्चे बोल बोल के लिखिए कै। क्या लिखा है हमने, कै। लिख लिया सभी ने। चलिए अब इसी के नीचे लिखेंगे वापस ऊपर की थ्री लाइन में, लिखिए बोल बोल के कै। क्या लिखा है हमने, कै। सब बच्चे बोल बोल के लिखिए कै। चलिए अब देखिए क्या लिखा ना हमने, उसी के आगे हम थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, आगे लिखिए डे। इस तरह से ऊपर की थ्री लाइन में फिर से लिखिए डे, बनाइए डे। लिख लिया सभी ने। चलिए अब देखिए वापस इसी के नीचे फिर से ऊपर की थ्री लाइन में लिखेंगे है ना, ये
ये 1 2 3 थ्री लाइन है ना, इसमें हम थोड़ी सी लाइन खींचेंगे इस तरह से। खींचो सभी बच्चे इस तरह से लाइन खींचिए, ऊपर की थ्री लाइन में, नीचे फोर नंबर की लाइन में हमने लाएंगे, यहीं पे खींचनी है। और इसको यहाँ से ऐसे धीरे धीरे सुंदर सुंदर राइटिंग में से इसको मिला दीजिए, गोल करके गोला मिला दीजिए। ये हो गया डे। सब बच्चे क्या बोलेंगे इसको? डे। क्या बोलेंगे हम? डे। लिख लिया सभी ने? चलिए देखिए वापस, ये डे लिखा हमने, उसी के पास में यहाँ पर हम थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे और आगे लिखेंगे अह। क्या लिखेंगे? अह। कैसे लिखेंगे? ऊपर की थ्री लाइन में है ना, पहले से सीधी लाइन खींचो, सब बच्चे लाइन खींचिए इस तरह से। और यहाँ पर देखो ऐसे 1 ये 2 और ये 3 थ्री लाइन में इस तरह से छोटी छोटी लाइन खींच दीजिए, ये बन गया अह। इस तरह से सब बच्चे बोल बोल के लिखिए अह। लिख लिया सभी ने? चलिए उसी के नीचे वापस लिखेंगे, फिर से ऊपर की थ्री लाइन में पहले लाइन खींचो इस तरह से, सब बच्चे लाइन खींचिए। अब यहाँ पर थ्री लाइन ऐसे खींचेंगे हम, ऐसे ये बन गया, सब बच्चे खींचो। क्या लिखा हमने? पढ़ो इसको अह। क्या पढ़ेंगे इसको? अह। क्या पढ़ेंगे? अह। चलिए अब देखिए सब बच्चे वापस, हमने ए लिखा ना उसी के नीचे लिखेंगे हम, है ना। यहाँ पर सब बच्चे बोल बोल के लिखेंगे फे, ऊपर की थ्री लाइन में फे का लिखेंगे हम, फिर से ऊपर की ये थ्री लाइन है ना, 1 2 3 थ्री लाइनों में फिर से बोल बोल के लिखिए फे। फे कैसे लिखेंगे? पहले सीधी लाइन खींचो ऊपर की थ्री लाइन में, और इस तरह से टू लाइन और खींचेंगे यहाँ पर, लाइनों के ऊपर ही, ये बन गया फे। क्या लिखा है मैंने? फे। सब बच्चे बोलो फे। चलिए इसी के नीचे वापस अगली लाइन में लिखेंगे हम, ऊपर की थ्री लाइन में फिर से इस तरह से लाइन खींचो सब बच्चे। अब यहां से ऐसे टू लाइन और खींच दो इससे, ये बन गया फे। क्या लिखा हमने? फे। बोलो सब बच्चे फे। क्या पढ़ेंगे इसको हम? फे। चलिए इसी के नीचे फिर से लिखिए तरह से, सब बच्चे बोल बोल लिखिए फे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? फे। लिख लिया सभी ने? चलिए अब देखिए यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे गे। गे कैसे लिखेंगे? देखो सबसे पहले ऊपर की थ्री लाइन में क्या बनाएंगे? क्या बनाया सब बच्चे बनाओ इस तरह से, पहले क्या बनाओ? अब यहाँ से देखो ये क्या बनाया ना हमने, अब यहाँ से इसको इस नंबर की लाइन तक ले जाएंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे छोटी सी और ऐसे सीधी लाइन खींचेंगे, ये बन गया गे। क्या लिखा हमने? ये गे। चलिए वापस लिखिए इसी के नीचे वाली लाइन में, पढ़ो इसको मिनट। क्या लिखा हमने? ये गे है ना। अब वापस लिखेंगे हम ऊपर की थ्री लाइन में फिर से गे, पहले क्या बनाएंगे इसको ऊपर ले जाएंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे और सीधी लाइन नीचे तक वापस ले आएंगे, ये बन गया गे है ना। ये सीधी लाइन खींचेंगे तो वापस हम इसी लाइन तक लाएंगे, थ्री नंबर की लाइन तक, नीचे फोर में नहीं ले जाना है इसको, है ना। लिखिए गे। सभी बच्चे बोल बोल के लिखो गे इस तरह से। चलिए अब वापस इसी के नीचे फिर से लिखेंगे हम गे इस तरह से, पहले गे बनाएंगे ले जाएंगे, इधर लाइन खींचेंगे और ऐसे बन गया गे। क्या लिखा ही हमने? गे। क्या लिखा? गे। चलिए देखिए अब ये गे लिखा ना हमने, उसी के आगे यहाँ पर हम लिखेंगे है। क्या लिखेंगे हम? है। यहाँ पर ना ऊपर की थ्री लाइन, 1 2 3 लाइन है, इसमें हम सीधी लाइन खींचेंगे। खींचो सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में। अब यहाँ पर हम फिर से एक और लाइन खींचेंगे पिछली, अब इसको ऐसे बीच में से ऐसे सुंदर सुंदर धीरे धीरे इसको बीच में से एक लाइन और खींचेंगे, ये बन गया है। क्या पढ़ेंगे इसको हम? है फॉर हैन होता है, तो फॉर हैन हम नहीं बोलेंगे, सिर्फ है बोलेंगे। क्या बोलेंगे? है।
चलिए वापस अगली लाइन में फिर से लिखिए, क्या लिखा है हमने, है, क्या लिखा है, फिर से पढ़ो इसको, है। चलिए वापस देखिए अगली लाइन में, देखिए इस तरह से है, लिख दिया सभी ने, सब बच्चों ने लिख लिया, फिर से उंगली करके पढ़िए इसको, है, क्या लिखा हमने, है। चलिए अब देखिए ये है लिखा ना हमने, उसी के पास में यहाँ पर हम वापस थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, है ना, और यहाँ पर लिखेंगे आगे ई, क्या लिखेंगे, ई, कैसे लिखेंगे, देखो पहले ये मध्यम वाली लाइन में ऐसे लाइन खींचेंगे, खींचो सभी, फिर टू में नहीं खींचेंगे, थ्री में वापस लाइन खींचेंगे, टू में नहीं खींचेंगे ना, पहले बंद अंदर वाली में फिर थ्री वाली में, और इसको बीच में से ऐसे मिला देंगे, ये बन गया ई, क्या लिखा ये हमने, ई, लिख लिया सभी ने, ई। आगे लिखिए जय, सॉरी देखो ये ई लिखा ना, सुनो यहाँ पर जय नहीं लिखेंगे, पहले ई लिखा ना हमने, इसी के नीचे लिखेंगे हम फिर से ऊपर की थ्री लाइन में ई, फिर से लिखिए ऊपर की थ्री लाइन में लिखना है, देखो 1 2 3 थ्री लाइन में ही आना चाहिए, नीचे 4 नंबर की लाइन तक नहीं आएगा, फिर ऊपर की थ्री लाइन में लिखिए बोल के ई, क्या लिखा हमने, ई। फिर से देखो अगली लाइन में फिर से लिखेंगे हम, ये 1 नंबर की लाइन में लाइन खींची, टू में नहीं खींचेंगे, थ्री में फिर से खींची, इसको बीच में से है से मिला देंगे, ये बन गया ई, क्या बन गया ये, ई, लिख लिया सभी ने। चलिए आगे लिखिए, देखिए यही लिखा था हमने, उसी के आगे हम ये थोड़ी सी जगह छोड़ के आगे लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए जय, क्या लिखेंगे, जय, पहले बंद की लाइन में छोटी सी लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ से हम इसको सीधा नीचे 3 नंबर की लाइन तक ले जाएंगे, ये आ गया, और यहाँ से इसको ऐसे घुमा के ऐसे मोड़ देंगे, ये बन गया जय, क्या बन गया ये, जय, क्या पढ़ेंगे इसको हम, जय, लिख लिया सभी ने। चलिए उंगली करके पढ़ो इसको सब बच्चे, जय, क्या लिखा है हमने, जय। चलिए इसी के नीचे वाली लाइन में फिर से लिखेंगे हम, ऊपर की थ्री लाइन में फिर से लिखी इस तरह से जय, सब बच्चे बोल बोल के लिखिए जय, वापस पढ़ो इसको, जय, क्या लिखा हमने, जय। चलिए अब देखिए इसी के नीचे फिर से लिखेंगे हम, है ना, देखिए 1 नंबर की लाइन में पहले छोटी सी लाइन खींचो ऐसे, अब इसको यहाँ से 3 नंबर की लाइन तक ले जाओ, और ऐसे सुंदर सुंदर धीरे धीरे ऐसे घुमा दो, ये बन गया जय, क्या लिखा है हमने, जय। चलिए अब देखिए सब बच्चे वापस ए के नीचे उंगली रखो, मेरे पीछे पीछे पढ़ेंगे सब बच्चे, एफ और एप्पल नहीं बोलेंगे, सिर्फ ए बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ए, बोलिए ए, बे, के, दे, एह, वापस नई लाइन में रखिए, बोलिए ए, बे, के, दे, एह, नई लाइन में रखिए, वापस बोलिए फे, गे, है, ई, जे, फिर से फे, गे, है, ई, जे, फिर से नई लाइन में उंगली रखिए, बोलिए फे, गे, है, ई, जे, लिख लिया सभी ने। अब देखिए आपके जो नीचे आधा पेपर खाली है ना, वहां पर आपको होमवर्क करना है, होमवर्क में आप यहाँ से फे वाली लाइन बोल बोल के सुंदर सुंदर लिखेंगे ऊपर की थ्री लाइन में, ठीक है।